हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेटीएम पोस्टपेड का बिल कैसे पेमेंट करना है। उसका बिल का जो बिल होता है वो जनरेट कब होता है और इसके बिल का ड्यू कब होता है और उसका जब आप यूज़ करते हैं पोस्टपेड पेटीएम पोस्टपेड को तो आपको उसमें क्या क्या चार्जेस देना पड़ता है, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बस वीडियो का आखिर तक बन रही है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक करिए। अगर अभी तक आप पेटीएम का पोस्टपेड एक्टिव नहीं किए तो पेटीएम पोस्टपेड क्या है, पेटीएम पोस्टपेड को कैसे एक्टिव करना है, कैसे यूज करना है, उसके बारे में हमारा चैनल पे पहले से ही डिटेल्स वीडियो है। अगर वो वाला वीडियो देखे नहीं आप तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन में उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए कि पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिव कैसे करना है और यूज कैसे करना है। उसके बाद उसका बिल कब जनरेट होता है, बिल कैसे पेमेंट करना है, क्या क्या चार्जेस उसमें आपको देना पड़ता है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए मैं पहले पेटीएम पोस्टपेड को ओपन करता हूँ। यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड मेरा है तो चलिए मैं पेटीएम पोस्टपेड को पहले ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं 25,000 लिमिट मुझे मिला हुआ है और मैं वहाँ पे 2500 कुछ रुपये यूज़ किया हूँ तो मेरा बिल बना है 2527 रुपये 15 पैसे। मैं कितना यूज़ किया हूँ और मुझे कितना चार्जेस यहाँ पे देना पड़ेगा मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये मेरा पोस्टपेड लाइट अकाउंट है। तो पोस्टपेड का तीन तरह का अकाउंट होता है, एक लाइट अकाउंट होता है, एक पोस्टपेड अकाउंट होता है। तो वो तीन तरह का अकाउंट क्या है और कैसे कैसे उसमें चार्जेस देना पड़ता है, कैसे यूज़ किया जाता है, अगर आप डिटेल्स में पूछेंगे कमेंट करेंगे तो मैं एक डिटेल्स का वीडियो भी आपको लिए बना दूंगा कि पेटीएम पोस्टपेड का कितना तरह का अकाउंट होता है और कैसे कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे कैसे उस अकाउंट को एक्टिव किया जाता है। तो चलिए बेसिकली इसी वीडियो में बात करने वाले हैं कि पेटीएम पोस्टपेड को जो यूज़ किए हैं उसका बिल कैसे जनरेट होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप पेटीएम पोस्टपेड आपको मिला हुआ है कुछ तो उसका जो अगर आपको यूज़ करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक मंथ में जितना भी यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर आप ये अभी अगस्त मंथ है तो जुलाई मंथ में मैं जुलाई 1 से लेकर जुलाई 31 तक जितना भी यूज़ किया हूँ तो अगस्त 1 तारीख को ये बिल जनरेट हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है अगस्त 1 तारीख को ये बिल जनरेट हुआ है और ड्यू डेट है 7 अगस्त को, यानी जो भी मंथ में आप अपना पेटीएम पोस्टपेड का यूज करेंगे उसको एक मंथ में उसका नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को आपका बिल जनरेट हो जाएगा और आपको 7 दिन तक टाइम मिलेगा। उस 7 दिन का अंदर ही आपको आपका बिल पेमेंट करना है। अगर आप 7 दिन के अंदर बिल पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चार्जेस यहाँ पर देना पड़ेगा। अब ड्यू अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है तो बेसिकली आप कोशिश करिए जितना भी यूज़ कर रहे हैं 7 तारीख के अंदर पेमेंट करने के लिए। अभी बात आता है कि मैं कितना यूज़ किया हूँ तो मुझे इतना रुपये देना पड़ रहा है। तो देखिए अगर आपको डिटेल्स देखना चाहते हैं तो पासबुक पे क्लिक करिए, जब पासबुक पे क्लिक करें तो आपको दिखाई देगा। देखिए मैं यहाँ पर 500 रुपये एक बार यूज़ किया हूँ, एक बार 21 रुपये यूज़ किया हूँ और मुझे कन्वर्सेशन फ़ी पड़ा है 6.15 रुपीज़ पड़ा है और इसका GST भी मुझे देना पड़ेगा। तो इसको मिला के 527 रुपये 15 पैसे हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वन टाइम बिल पेमेंट मेक एलिमिट योर पोस्टपेड लिमिट इंक्रीज। तो यहाँ पर आपको बिल लिखा है 1% कन्वर्सेशन फी प्लस GST, तो आपको ये देना पड़े। तो मैं आपको दिखाया मैं बस यूज़ किया हूँ 521 रुपये, अभी 521 रुपये यूज़ करने पर मुझे 527 रुपये 15 पैसे, यानी मुझे 6 रुपये 15 पैसे यहाँ पर देना पड़ रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अभी मैं यूज भी कब किया, आपको दिखा दूँ 29 जुलाई को क्यों, मतलब 3 दिन में मुझे इतना अभी 6 रुपये 15 पैसे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं पेटीएम पोस्टपेड यूज़ करना फ्री है, बिल्कुल फ्री नहीं है, उसमें आपको चार्जेस भी देना पड़ता है। तो वो चार्जेस हो सकता है आपको यूज़ करने बाद मालूम पड़े, अगर आप इसे ड्यू डेट बाद पेमेंट करते हैं तो आपको और ज़्यादा चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ से जो ड्यू अमाउंट का जो चार्जेस होता है ना वो 25 रुपये से लेकर 750 रुपये तक होता है, वो जो पिछले वीडियो में हम बात किए थे। तो चलिए इसको पेमेंट कैसे किया जाए, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर पे का ऑप्शन है, पे पर क्लिक करते हैं। जब भी पे पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी अमाउंट है वो अमाउंट दिखाई देगा। अगर आप पर्टिकुलर अमाउंट पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट कुछ ऑड अमाउंट अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो कुछ ऑड अमाउंट भी पेमेंट कर सकते हैं। मगर अगर बिल जो ड्यू पेमेंट करना चाहते हैं तो बिल ड्यू पे क्लिक करिए और यहाँ पर पे क्लिक करिए। जब हम पे पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप कौन कौन सा पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक में पड़ा है तो आप कर सकते हैं, अगर आप अपना कोई बैंक अकाउंट लिंक है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से पेमेंट कर सकते हैं, मगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मेरा स्टेट बैंक का अकाउंट है तो मैं स्टेट बैंक से पहले पेमेंट कर लेता हूँ यहाँ इसको। तो देख सकते मैं 527 रुपये 15 पैसा अभी पेमेंट कर चुका हूँ। अभी थोड़ा सा हम बैंक चलते हैं
थोड़ा सा बैक चलते हैं, जब थोड़ा सा बैक चलें तो आपको पता लग जाएगा। तो मैं फिर से पेटीएम पोस्ट पे ओपन करता हूँ। अभी देखिए मेरा फिर से 25,000 लिमिट हो गया होगा और जो ड्यू अमाउंट था वो भी माइनस। अभी देखिए अभी लिमिट यूज जीरो हो गया, अब 25,000 रुपये फिर से लिमिट हो गए। तो अभी आप देख सकते हैं मैं पासबुक पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा पेमेंट कब यूज किया था, कब पेमेंट किया। तो ये आप डिटेल्स में देख लिए कि पेटीएम पोस्ट पेड का जो बिल है वो कब जनरेट होता है और कब ड्यू होता है और कैसे पेमेंट होता है। अगर आपको पेटीएम पोस्ट पे के बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए होगा, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। तो एक कंप्लीट वीडियो था, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक करिए।